गौ रक्षा करने वाले लोगों को सिर्फ एक इस बात के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गुंडा कह दिया गया। लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से 6 महीने लगातार संपर्क करता रहा, पूछता रहा आरटीआई के माध्यम से, बताइए आपके पास ऐसा कौन सा डाटा है कि जिससे 80% गौ रक्षकों को आपने कह दिया कि वो गुंडे हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जिसके बिहाव पर यह कहा जाए कि गौ रक्षक गुंडे हैं। गुंडे वो है जो गौ माता को सताते हैं, गुंडे वो है जो कुर्बानी के नाम पे गौ माता की क्रोकसी करते हैं, गुंडे वो हैं जो गौ माता का इलीगल स्मगलिंग करते हैं, गुंडे वो हैं जो इन सब को आंखों से देखते हुए भी मौन धारण कर लेते हैं, गुंडे वो हैं। गौ सेवा करने वाला कभी गुंडा नहीं हो सकता। और जिस तरीके की आज परंपरा चल पड़ी है कि साधु और संतों के बारे में जो भी धर्म की बात करता है, अगर आपको अपने आप को सेक्युलर कहलाना है तो उसके लिए आपको हिंदुओं को गाली देना अनिवार्य हो गया, ऐसी प्रथा आज की तारीख में चल रही है।